नमस्कार, मैं हूं जूही वर्मा और हम बात करेंगे आज बिहार चुनाव की, बिहार की सियासत की, जहां पर इन दिनों एक चिराग के जलने से बीजेपी और जेडीयू दोनों में भयानक खलबली मची हुई है। और ये चिराग है एलजेपी के चिराग पासवान, जिन्हें पूरी छूट दे रखी है रामविलास पासवान ने कि वो जो फैसला लेंगे वही सर्वमान्य होगा। वैसे तो रामविलास पासवान ऐसा पहले भी कह चुके हैं, पर फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, अपने जो उनके रोज के कामकाज होते हैं उनसे थोड़ा फ्री हैं, आराम से सोच रहे हैं अपनी बीमारी के बीच में भी, अपने इलाज के बीच में भी, पर उन्हें टाइम मिल रहा है कि वो अपनी पर्सनल बातों पे सोच पाएं। तो ये सोचते हुए उन्होंने लाइन से कई सारे ट्वीट किए और जिनका लब्बोलुआब ये था कि चिराग ही पार्टी संभालेंगे, चिराग जो कहेंगे वही अंतिम फैसला होगा उनकी। ये हालांकि बहुत पहले भी वो ये संकेत दे चुके हैं कि चिराग का फैसला ही अंतिम फैसला माना जाएगा बिहार चुनाव के मामले में, पर पिछले कुछ दिनों से जो चिराग का रवैया है और जिस तरह से उस पर बीजेपी एक्शन ले रही है, नीतीश कुमार टेंशन में, उसे देखते हुए लगा था कि रामविलास पासवान शायद मन बदल लेंगे, क्योंकि चिराग पासवान लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो एनडीए तोड़कर बाहर भी लड़ सकते हैं। और तेजस्वी यादव लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि चिराग पासवान किसी भी तरह से उनके साथ जाकर महागठबंधन का हिस्सा बन जाए। दो युवा शक्ति मिलेंगी तो प्रदेश में जाहिर तौर पर बिहार में कुछ नया, कुछ चमत्कार कर पाएगी ये। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट चिराग का नारा है। तेजस्वी भी अपनी पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी पार्टी वापस से सत्ता में लौट पाए। वैसे पिछले इलेक्शन में आरजेडी ही सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन एनडीए का साथ मिलने के बाद जेडीयू की सरकार बन पाई और नीतीश कुमार के सर पर ताज सच पाया। खैर, हम वापस चिराग पासवान पे आते हैं, जो ये चाहते हैं कि इस बार उन्हें कम से कम 40 से 45 के करीब सीटें दी जाए बिहार के इलेक्शन में, जो तकरीबन नामुमकिन है नीतीश कुमार के लिए तो, जो उन्हें पिछली बार से भी कम सीटें देना चाहते हैं, क्योंकि जीत का रेशो और दी गई सीटें जिस पर कैंडिडेट खड़े किए थे चिराग पासवान की पार्टी ने, वो काफ़ी अंतर था उसमें। इसीलिए इस बार नीतीश अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा सीटें चाहते हैं और पासवान की पार्टी के लिए कम सीटें चाहते हैं। जीतन राम मांझी को भी अपनी पार्टी में जोड़ना, यानी जेडीयू में जोड़ना, इसमें एनडीए के बैनर तले उनको लाने की कोशिश करना ही इसी का एक बहुत बड़ा पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है कि हम भी अब जेडीयू के साथ हो चुकी है। तो अब पासवान वोट्स की उतनी इज्जत शायद नीतीश कुमार को ना रही हो, पर बीजेपी ने फिलहाल ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं कि वो इसको एलजेपी को अपने से अलग करना चाहती है। तो कुल मिलाकर अभी भी एनडीए बरकरार है बिहार में और चिराग का रवैया लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि जेपी नड्डा का अभी बिहार दौरा चल रहा है तो चिराग के तेवर थोड़े से शांत बताए जा रहे हैं, पर पहले भी उनकी नसीहत के बाद में चिराग के सारे तीखे तेवर बरकरार ही रहे, नीतीश पर वो निशाना साधते रहे। तो अब दोनों के बीच में बैठक हुई है, जेपी नड्डा जी के बीच में और नीतीश कुमार जी के बीच में, जिसमें सीटों के समीकरण, सीटों के फॉर्मूले पर बातचीत हुई। और उसके बाद ये भी हल निकला कि चिराग को समझाने की जिम्मेदारी जो है वो बीजेपी ही उठाएगी, यानी बीजेपी तय करेगी कि चिराग से उन्हें कैसे बात करनी है। अंदर खानों की खबर यह है कि बीजेपी खुद चिराग को हवा दे रही है कि उनकी लॉ यूं ही जलती रहे ताकि नीतीश पर प्रेशर बरकरार रहे। तो अब अगर यही सिनेरियो है पॉलिटिकल, तो हम मान सकते हैं कि चिराग को दो तरफ से सपोर्ट मिल रहा है। रामविलास पासवान ने उनको फ्री हैंड दे दिया है, वो बिहार पॉलिटिक्स में जैसे चाहे वैसे फैसले ले सकते हैं, एलजेपी को आगे बढ़ाने में चिराग सफल होंगे, ऐसा रामविलास पासवान का भरोसा है। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा भी वैसे तो उनको संभाल ही रहे हैं, पर ये उम्मीद चिराग भी लगाए बैठे हैं कि उनके इन तीखे तेवरों की वजह से एलजेपी को शायद ज़्यादा सीटें मिल जाएं। और अगर ऐसा नहीं भी होता है तो भी बीजेपी बहुत नुकसान में नहीं है, क्योंकि चिराग ये भी कह चुके हैं कि बीजेपी से संबंध खराब करने में या एनडीए से टूटने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो किसी भी सीट पर बीजेपी के खिलाफ अपने कैंडिडेट भी खड़े नहीं करेंगे। तो यानी अगर वो नीतीश की पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ भी अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं और नीतीश की सीटों से कुछ ज़्यादा सीटें हासिल कर लेते हैं, तो ये बीजेपी के लिए फायदेमंद ही होगा, क्योंकि फिर वो नीतीश पर थोड़ा प्रेशर बनाए रखने में कामयाब होंगी। तो चिराग की ही चलने वाली है बिहार में, ये तय हो चुका है। खास तौर से एलजेपी से जुड़े हुए सारे फैसले जो चिराग लेंगे वही सर्वमान्य होंगे और शायद उनके फैसलों के साथ ही बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा बिहार में कामयाब हो जाए। नमस्कार।